धरती माँ, मेरी आंखों ने अभी जो भयानक दृश्य देखा उसे मैं भूलना भी चाहूं तो नहीं भूल सकती। मेरा शरीर अभी तक भय से कांप रहा है, परंतु मैं ये भी जानती थी कि कोई बहुत बड़ी घटना अवश्य घटने वाली है। मैंने होने के पैरों की चाप सुन ली थी। मुझे अनुभव है कि अत्याचारी और अहंकारी की रस्सी बहुत लंबी होती है, ईश्वर उसमें निरंतर ढील छोड़ता रहता है ताकि अत्याचारी और अहंकारी स्वयं को स्वतंत्र और स्वच्छंद समझने लगे और भूल पर भूल करता जाए। फिर एक दिन जब ईश्वर इस रस्सी को खींचता है तो फिर वो दुष्ट अहंकारी मुंह के बल गिरता है और जान लेता है कि कोई उससे भी अधिक बलवान, उससे भी अधिक शक्तिशाली है। वो जान लेता है कि उसकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता केवल उसका भ्रम था। हिरण्यकशिपु का अंत भगवान श्री विष्णु के नरसिंह अवतार के नखों द्वारा हुआ। मैंने चैन की सांस ली। पुत्र प्रहलाद की यातना भरी परीक्षाओं का भी अंत हो गया। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से उसका कल्याण हुआ। माता लक्ष्मी का हृदय गदगद हो गया। इन्हीं दोनों के आशीर्वाद से प्रहलाद राजा बना। थोड़े ही समय में अपने स्वभाव से उसने अपनी प्रजा का मन जीत लिया। उसे एक सुंदर और सुशील पत्नी भी मिली। पत्नी धृति ने उसे 3 सुंदर पुत्र भी दिए, परंतु कथा को एक नया मोड़ लेना था। संसार ने अभी तक भक्त प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा देखी थी, जिसमें वो सफल हुआ। सिंहासन पर विराजमान होकर उसे अभी ये परीक्षा भी तो देनी थी कि राजा होने के नाते कहीं वो न्याय के मार्ग पर डगमगा तो नहीं जाता। और एक दिन उसकी इस परीक्षा की घड़ी भी आ गई। मुझे उसका खेद है माते। जो हुआ पुत्र, उस पर खेद व्यक्त करने के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है। परंतु खेद तो ये है कि तुम्हारा खेद और मेरा दुख भी अब होने के लेने को नहीं बदल सकता। माते, कहीं आप पिताश्री की मृत्यु के लिए मुझे तो उत्तरदायी नहीं समझ रही हैं? नहीं पुत्र, जो हुआ उसका उत्तरदायी मेरा ही भाग्य है। मेरे ही भाग्य में हार लिखी हुई थी। तुम्हारे पिताश्री ने जितनी बार तुम्हें मारने का प्रयास किया उतनी ही बार मैं हारी, और अब जब वे मृत्यु से हार चुके हैं तब भी वास्तव में मेरी ही हार हुई है। परंतु पुत्र, ये मेरी अंतिम हार है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मेरे मन पर एक बोझ है माते। आप सोचे होंगे कि मैंने अपने पुत्र भगवान विष्णु से विनती करके भ्राता आह्लाद को फिर से जीवित करवा लिया। मैंने विष्णु से हट करके अपने गुरुजन शंडर अमर को काल के मुख से खींच लिया। तो अपने पिता के लिए भी भगवान विष्णु से जीवनदान क्यों नहीं मांगा? उन्हें पुनर्जीवन के
वरदान से क्यों वंचित रखा? पुत्र, मेरे पति तुम्हारे पिता रहे ही कहां थे? उन्होंने तो स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि ना तुम उनके पुत्र हो और ना ही वह तुम्हारे पिता। ये नाता तो उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दिया था। प्रकृति का बनाया हुआ संबंध तो न जाने कब का उनके अहंकार की चौखट पर सिर पटक पटक कर दम तोड़ चुका था पुत्र। पर मैंने तो उस संबंध को कभी नहीं तोड़ा, मैं उस नाते को कभी नहीं भूला। मैं जानती हूँ पुत्र, इसीलिए तो मैं तुमको दोषी नहीं समझती हूँ। उन्होंने भगवान विष्णु से बैर किया और परिणाम वही हुआ जो भगवान के हर पैरी का होता है और होता रहेगा। कैसे विडंबना है ये, जो स्वयं को भगवान कहता था, सर्वशक्तिमान कहता था, जो स्वयं को दूसरों के प्राणों का रक्षक और स्वामी कहता था, वो अपने ही प्राणों की रक्षा ना कर सका? तुमने पुत्र धर्म का पालन किया, परंतु मेरे पति पिता धर्म का पालन भी ना कर सके। मैं पिता की चित्रछाया से वंचित हो चुका हूँ माती। मेरे सिर पर अब केवल आपकी चित्रछाया रह गई है। आपका प्रेम मेरा रक्षक रहा है, आपका आशीष मेरा रखवाला बना है। मुझे कभी स्वयं से दूर ना कीजिएगा। आपका स्नेह ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं केवल यह कहने आया था कि अपने दुख में आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके दुख का भागीदार हूँ। कुछ दुख ऐसे होते हैं पुत्र, जिनका कोई भागीदार नहीं बन सकता। हर व्यक्ति को ये दुख स्वयं सहने पड़ते हैं, चुपचाप अपने ही भीतर रह करके। अब तुम जाओ पुत्र, अभी बहुत कार्य शेष है। तुम जाकर इन कार्य को पूरा करो, अपना पुत्र धर्म निभाओ। मुझे कुछ आवश्यक निर्णय करना है। आज असुर कुल का सूरज अस्त हो गया, दुर्भाग्य का चंद्रमा अपनी समस्त कालिमा के साथ असुर लोक के आकाश पर निकल आया है। देवराज इंद्र के गर्व को चकनाचूर करने वाले असुरों के महानायक हिरण्यकश्यपु का आप समस्त असुर वीरों पर एक ऋण है, जिसे आप सबको चुकाना है। हमें अति शीघ्र यह निर्णय लेना है कि हमारे प्रिय महाराज का अंतिम संस्कार कौन करेगा। राजकुमार प्रहलाद, और कौन गुरुदेव? सेनापति, भगवान की दृष्टि से ओझल होते ही भक्तों की भावना बदल गई। जिस प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, वही प्रहलाद उन्हें मुखाग्नि देगा। जिस प्रहलाद से हमारे महाराज को विष्णु से अधिक घृणा थी, वो उनका अंतिम संस्कार करेगा। महारानी की भी यही इच्छा है गुरुदेव? महारानी की इस समय मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे उचित निर्णय ले सके। तब उचित निर्णय क्या है गुरुदेव? नियम एवं परंपरा के अनुसार इसका अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है, इसलिए राजकुमार आह्लाद को इसका अधिकार दिया जाए। यह मेरी सभा से विनती है। नहीं, ना तो यह न्याय की दृष्टि से उचित है, ना तो धर्म की दृष्टि से। तुम इस सभा को यह बताने आए हो कि तुम महाराज हिरण्यकश्यपु के ज्येष्ठ पुत्र नहीं हो? नहीं गुरुदेव, मैं तो इस सभा को यह बताने आया हूं कि मैं आह्लाद महाराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र ही नहीं हूं। राजकुमार आह्लाद, महारानी कायाधु ने आपको जन्म दिया है,
और मैंने आपका नामकरण किया था आह्लाद। सत्य है, किंतु इससे बड़ा सत्य यह है कि आपने मंत्र पढ़े, आपने महाराज हिरण्यकशिपु से संकल्प करवाया और मुझे पूरी धार्मिक रीति से महारानी सिंगिका की गोद में डाल दिया गया। महारानी सिंगिका मेरी माता श्री थी, मैं महाराज विप्रचिति का पुत्र हूं। इसलिए सामंत गणों, महाराज हिरण्यकशिपु की अंतिम क्रिया का अधिकार केवल प्रहलाद को है, ये उसी का अधिकार है, नियम से भी धर्म से भी। इसके उपरांत भी यदि आप लोगों ने आज प्रहलाद से उसका अधिकार छीनने की चेष्टा की तो मैं कह देता हूं, महाराज हिरण्यकशिपु का मृत शरीर बिना अंतिम संस्कार के ही पड़ा रहेगा। मेरे लिए क्या आदेश है? बस कुमार, महारानी कायधु की प्रतीक्षा है। गुरुदेव, जब पिताश्री के अंतिम संस्कार के लिए ज्येष्ठ पुत्र मेरे भ्राता आह्लाद यहाँ है, तो माताश्री को यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? मेरे माता का हृदय बड़ा ही कोमल है, वे अभी तक पिताश्री की मृत्यु से उभर नहीं पाई है। वत्स, इस समय तुम्हें अपने हृदय को वज्र की भांति इस्पात बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस समय असुर राज हिरण्यकशिपु की चिता को अग्नि दी जाएगी, उस समय तुम्हारी माता महारानी कायधु भी इसी चिता पर होंगी। क्या? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। क्या शोक में माताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए? नहीं पुत्र, वे जीवित है, सकुशल है। यह परंपरा है जिसमें एक सुहागन नारी प्रतिवता कहलाने के लिए अपने मृतक पति के सिर को अपनी गोद में लेकर उसकी चिता में जलकर सती बन जाती है। नहीं, नहीं, नहीं। आपका जो भयानक खेल मैंने अपने बुआशी के साथ देखा है, वही खेल आप लोग मेरी माताशी के साथ परंपरा के नाम पर खेलना चाहते हैं, तो मैं वो खेल नहीं होने दूंगा। मैं आज इस भयानक परंपरा को अपने पिताश्री के चेता में जलाकर समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव, मुझे आशीष दीजिए। देवाधिदेव, महादेव, तुम्हें अपना अंतिम कर्तव्य बिना किसी संकट के पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। वो स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है जो इस संसार से सुहागन चली जाती है। तुमने यह निर्णय इसलिए लिया है कि तुम अपने इस सुहागन रूप को वैधव्य की लपटों में झोंकना नहीं चाहती हो, और इसीलिए आप सब परंपरा के पुजारी चाहते हैं कि मेरी माताश्री अपने आप को जीते जी चीता की लपटों में झोंक दे।
ऐसा नहीं कहते हैं पुत्र। तुम तो मेरे धर्मात्मा पुत्र हो और मुझे पत्नी धर्म के मार्ग पर चलने से रोकना चाहते हो। आप आत्महत्या को धर्म कहती है? आप माताश्री इसे पत्नी का धर्म कहती है? एक ऐसा पति जिसने सारा जीवन आपको सुखी एक सांस नहीं लेने दी, उसके लिए आप आत्मदाह करना चाहती है और कहती है कि पत्नी का धर्म है? पुत्र। हाँ माते, आपका उनके प्रति धर्म अभी भी शेष बचा है जो जीवित नहीं है, और उनके प्रति आपका धर्म समाप्त हो गया है जो अभी भी जीवित है। क्या आपका माता होने के नाते कोई धर्म नहीं है? क्या संतान के प्रति आपके सारे उत्तरदायित्व तो समाप्त हो गए? नहीं पुत्र, मैं जानती हूँ तू अभी बहुत छोटा है, किंतु तुम्हारे लिए इतना बड़ा साम्राज्य है। यह हमारा नहीं है माते, मेरे भगवान विष्णु ने कितना अच्छा विभाजन किया था, आकाश देवताओं का, धरती मानव की और पातालम असुर लोगों का। मेरे पिताश्री ने देवताओं से आकाश छीना, मानव से धरती छीनी, और इसलिए मेरे विष्णु ने उन्हें दंड दिया। किंतु आप माता होकर हमें किस बात का दंड दे रही है? अच्छा माते, बताइए क्या अभी तक आप इस मृत देह को पिताश्री मान रही है? परंतु पुत्र, ये मृत देह तो उन्हीं की है ना? हाँ माता, किंतु ये तो केवल देह है जिसे अभी अग्नि राख में बदल देगी। हमारा संबंध तो उस आत्मा से था जो अब नहीं है। तूने सत्य कहा पुत्र, किंतु संसार मुझे क्या कहेगा? मृत्यु के भय से मैंने अपना धर्म छोड़ दिया? नहीं माते, जिसने न जाने कितनी बार अपने पति के हाथों अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में जाते देखा है, उस पीड़ा को झेला है, उसे मृत्यु से भय? नहीं माते, नहीं, केवल धर्म के नाम पर मुझे अपनी ममता की छाया मत छीनो। केवल परंपरा के लिए मुझे अनाथ मत करो माते। पुत्र, 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 मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, तूने मुझे माता होने के अधूरे कर्तव्य का स्मरण कराया है। मैं जीऊंगी पुत्र, अपनी संतान के लिए मैं केवल एक पत्नी नहीं माता भी हूँ। ठीक है माते, तू मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने पिता के देह को अग्नि दूं। आज अपने पिता के साथ साथ प्राचीन असुर परंपरा, अन्याय, अधर्म, घृणा और द्वेष, और उसके साथ साथ हिंसा की भावना को सदा के लिए अग्नि को समर्पित कर दूं।
कितना अंतर है, कितना महान अंतर है। कैसा अंतर महादेवी? आपको किस बात में अंतर दिखाई दे रहा है? इस रूप में कमल नयन जो मैं अब देख रही हूं, और उस रूप में जो मैंने हिरण्यकश्यपु के वध के समय असुरलोक में देखा था। कहां ये पुष्प की भांति खिला हुआ मुख जिस पर उषा की लालिमा बिखरी हुई है, ये शांत और क्षीर सागर जैसे नयन जिनमें कोई उतरता चला जाए तो भी उसकी गहराई नहीं नाप सकता। ये समस्त सृष्टि को सुख और संतोष देने वाली मुस्कान जिसको देखते ही आपके चरणों में हृदय अर्पित करने को मन करे, और कहा वो विकराल रूप जिसे देखते ही हृदय में कंपन आरंभ हो जाए, आंखें मूंद लेती हूँ डर से, उसके बारे में सोचती भी हूँ तो शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। कितना अंतर है आपके दोनों रूपों में। महादेवी, आज तो हमारा अभाग्य है कि आप प्रेम सुधा की वर्षा हम पर कर रही हैं। मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं महादेवी कि अपने भक्तों के उद्धार के लिए मैं कोई भी भयानक रूप भी धारण कर सकता हूं। भक्ति की शक्ति मुझसे वो सब करा सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु वो क्रोध जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो, जैसे समस्त सृष्टि में भूकंप आ गया हो, जैसे सागर अपनी सारी शक्ति के साथ बिफर उठा हो। मैं तो समझी थी कि आज सृष्टि का पालनहार स्वयं ही सृष्टि का संहार करने पे तुला हुआ है। सत्य तो यह है कि मैं अत्यंत भयभीत हो उठी थी कमल नयन, अत्यंत भयभीत। महादेवी, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं महादेवी, परंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान में यह कहने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है, मैं उसे कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं ये भी सहन नहीं कर सकता महादेवी कि अहंकार को यह भ्रम हो जाए कि उसने सदाचार पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली है, अंधकार को यह भ्रम हो जाए कि उसने प्रकाश पर विजय प्राप्त कर ली है, या फिर असत्य इस भ्रम में पड़ जाए कि उसने सत्य पर विजय पा ली है। पर मैं क्या करूं कमल नयन, मैं तो आपके इसी रूप पर मोहित हूं जो इस समय मेरे नेत्र देख रहे हैं। यही सुंदर मुखड़ा मेरे मन में बसा हुआ है, ये मुकुटधारी ललाट, यही सूर्य और चंद्र को लजाने वाला सुंदर मुखड़ा, ये दीप समान जगमगाते नेत्र, इसी को देखकर ही तो मैंने अपना हृदय आपके चरणों में रख दिया था। महादेवी, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं ऐसा भयानक रूप कभी धारण ना करूं, तो मैं आपको यह वचन देता हूं, इसके आगे कभी ऐसा रूप धारण नहीं करूंगा जिसे देखकर आप भयभीत हो। देवराज, क्या पूरी आयु इस कारागार में कटेगी? अब तो अमृतपान भी महंगा लगने लगा, यदि अमृत ना पिया होता तो हिरण्यकश्यपु हमारा वध कर देता और हम सब इस कारागार के घुटन से मोक्ष पा जाए। ये सारा किया धरा ब्रह्मा जी का है, अपने ब्रह्मा जी का, न दिन में मरो न रात में, ये भी कोई वरदान है? न दिन में मरो न रात में तो कब मरो? उनसे चतुर तो अपने अग्निदेव निकले, इतनी चतुराई से वरदान दिया कि हिरण्यकश्यपु अपनी बहन को नहीं बचा पाया। परंतु हे देवराज, अब हमारा होगा क्या? अब आप लोग मुक्त हैं। महारानी कयाधु, राजकुमार प्रहलाद, आप दोनों यहां? हे देवराज, मैं असुराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद आप सबसे अपने पिताश्री के व्यवहार की क्षमा मांगने आया हूँ। आप सब मुक्त हैं। राजकुमार प्रहलाद, आपकी मधुर वाणी सुनकर मन को बड़ा संतोष हुआ, किंतु आप बुरा ना माने, यदि हमारी मुक्ति का आदेश स्वयं दानवेंद्र दें तो? हे वरुण देव, मेरे पिताश्री नहीं रहे, मैं अभी उनका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ।
मेरा पुत्र सत्य कह रहा है। किंतु ब्रह्मा जी का वो वरदान, उस वरदान का उपाय तो असंभव है। देवराज, लगता है मेरे पिताश्री की तरह अभी इसी ब्रह्म में है। जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को रचा उनके लिए असंभव क्या और संभव क्या। मेरे भगवान विष्णु के लिए मुझसे मेरे मार्गदर्शक देवर्षि नारद जी ने कहा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे विष्णु के समक्ष जाकर तो प्रश्न भी उत्तर बन जाता है। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। आओ आओ मेरे साथ, नहीं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। देवर्षि, अभी आपको देखते ही मुझे उन क्षणों का ध्यान हो आया जब मैं महारानी कयाधु को कायरों की भांति बलपूर्वक लिए जा रहा था। तब ये बालक प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में था और मैं इसे जन्म लेते ही मार डालने की सोच रहा था। देवराज, आप जिस बालक का वध करना चाह रहे थे आज उसी के कारण आप इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। इसी बालक के कारण तो मेरे आराध्य देव वासुदेव को पृथ्वी पर नृसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। हे बाल योगी प्रहलाद, मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। आपने हमें मुक्त करके हम सब पर बड़ा उपकार किया है। नहीं देवराज, आप देवता है, श्रेष्ठ है। मैं आपको अपनी माता की इच्छा अनुसार आपका देवलोक आपको लौटा रहा हूं, कृपया उसको स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। क्या सोच रहे हैं देवराज, ये सत्य है, स्वप्न नहीं। नारायण नारायण। आज से देवता आकाश पर, मानव धरती पर और असुर पाताल में रहेंगे। कोई भी किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। सब अपने अपने घरों में आनंद से रहेंगे। युद्ध ना हो, शांति ही शांति हो, यही मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना है। कमल नयन, कितने आश्चर्य की बात है, आपने ध्यान दिया? आप किस आश्चर्य की ओर संकेत कर रही हैं महादेवी? मैं तो कारागार में पुत्र प्रहलाद के देवराज इंद्र के प्रति उदारता के भाव को देख रहा था। मेरा संकेत भी उसी ओर है। कहाँ वो इंद्र, देवताओं में असुर, और कहाँ हमारा पुत्र प्रहलाद, असुरों में देवता। पुत्र प्रहलाद ने उन देवराज इंद्र को उनका देवलोक लौटाया जो कभी उसे मारना चाहते थे। यदि पुत्र प्रहलाद उनका इंद्रासन नहीं लौटाता तो वो क्या कर लेते? महादेवी, किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों गायें होती हैं, सहस्रों हाथी होते हैं, लाखों घोड़े होते हैं और ऊपर से माणिक मोती की खाने होती हैं। परंतु जिस दिन उस व्यक्ति के पास संतोष का धन आ जाता है, ये सारे हाथी घोड़े माणिक मोती की खाने धूल के समान हो जाती हैं। प्रहलाद के पास संतोष का धन तो तभी से था जब से वो माता के गर्भ में था। इतना श्रेष्ठ बालक जिस दिन राजा बनेगा उसकी प्रजा कितनी सुखी होगी। हाँ, ये तो है, प्रहलाद भी एक दिन राजा अवश्य बनेगा। मुझे नहीं लगता पद्मनाभ, अभी तो इस बालक में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। महादेवी, राजा में ये गुण होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ को त्याग नहीं सकता वो अच्छा राजा कभी नहीं बन सकता। मैं सोचती हूँ कमल नयन, क्यों ना सारा संसार प्रहलाद की भांति हो जाए।
महादेवी, जैसे स्वाति की हर बूंद मोती नहीं होती, जैसे कोयले की हर खान में हीरा नहीं होता, जैसे असंख्य तारों के बीच एक ही चंद्रमा होता है और समस्त ग्रह मंडल में एक ही सूर्य होता है, वैसे हर प्राणी प्रह्लाद तो नहीं हो सकता ना महादेवी। एक इतिहास पुरुष को बनाने के लिए मुझे असंख्य प्राणियों को जन्म देना पड़ता है, और इसीलिए है महादेवी, प्रह्लाद की महिमा के लिए हिरण्यकश्यपु का होना आवश्यक है। आप सत्य कहते हैं पद्मनाभ। वो देखिए कमलनयन, पुत्र प्रह्लाद शुक्राचार्य के आश्रम की ओर क्यों जा रहा है? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुर लोक को त्याग कर जाने वाले हैं। हो सकता है कि पुत्र प्रह्लाद शिष्टाचार के नाते उन्हें विदा करने जा रहा हो। क्या कह रहे हो तुम? मस्तिष्क फिर गया है तुम्हारा? गुरुकुल छोड़कर कहां जाओगे? उस मार्ग पर जिस पर प्रह्लाद के ज्ञान का उजाला फैला हुआ है, उस मार्ग पर जो सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, कल्याण और मन की शांति का मार्ग है पिताश्री। हम हिमालय जाकर तपस्या करेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और अपने मन की खोई हुई शांति को ढूंढेंगे। हमें यहां शिक्षा भी नहीं मिली और हमारे मन की शांति भी खो गई। यहां रहकर हमने ऐसे कार्य किए जिन्हें सोचकर हमें स्वयं से लज्जा आती है। मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्रो। यदि तुम दोनों चले गए तो मेरी दोनों भुजाएं टूट जाएंगी। आप जिस पथ के पथिक हैं पिताश्री, यदि उसी पर चलते रहे तो एक दिन आप स्वयं भी टूट जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। रुक जाओ मेरे पुत्रों, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्षण अमर्क। आयुष्मान भव। मुझे जैसी सूचना मिली मैं आपके पास चलाया गुरुदेव। किंतु वत्स, मुझे विदा करने के शिष्टाचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विदा करने नहीं आया हूं। तब मैं आपको रोकने आया हूं। क्या तुम मुझे रोकने आए हो? हाँ गुरुदेव, आप महान है, असुरों के गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं। किंतु अब तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है? तुमने हिंसा, द्वेष, घृणा तथा असुरों की परंपरा को अपने पिता की अर्थी के साथ कंधा दे दिया है। तुम्हारे राज में तो अब केवल विष्णु के मानने वालों को ही स्थान मिलेगा। नहीं गुरुदेव, मानने का संबंध विश्वास से है। जो ईश्वर को मानेंगे वे मेरे हैं, जो नहीं मानेंगे वे भी मेरे हैं। मेरा ईश्वर पर इतना अटल विश्वास है कि ये मानने लगा कि ईश्वर को मनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपनी परम शक्ति स्वयं मनवा लेते हैं। मेरी निजी मान्यता का संबंध आपसे नहीं है गुरुदेव। मैं असुर की संस्कृति के विरोध नहीं हूँ। मुझे तो आपसे नीति की शिक्षा लेनी है, शस्त्र विद्या सीखनी है।
एक पराजित व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, आप पराजित नहीं है, कोई भी पराजित नहीं हुआ, पराजय हुई है दोषपूर्ण सिद्धांतों की, दोषी नियमों और परंपराओं की। आप तो कल भी आचार्य थे और भविष्य में भी आचार्य रहेंगे। मुझे छोड़कर मत जाइए आचार्य, असुर को छोड़कर मत जाइए, मैं आपके मार्ग में पड़ा हूं, यदि जाना है तो मेरे मस्तक पर पैर धर के निकल जाइए। उठो पुत्र, पुत्र मैं संसार में अपने आप को सबसे बड़ा हठी समझता था, किंतु मैं तुमसे हार मानता हूं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा नीति की, शस्त्र की, ज्ञान विज्ञान की, किंतु तुम भी मुझे वचन दो कि तुम मुझसे विष्णु भक्ति की हट नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं आपके ओर से भी उनकी भक्ति मैं कर लूंगा, आप तो बस मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए। क्या हुआ महादेवी? आपने तो कहा था कि पुत्र प्रहलाद संकट को विदा करने जा रहा है। संकट? कैसा संकट महादेवी? मेरा तात्पर्य शुक्राचार्य से है। शुक्राचार्य? क्या हुआ, वो सकुशल तो हैं? शुक्राचार्य तो सकुशल हैं, किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद की कुशलता का क्या होगा? अब क्या किया आपके पुत्र ने? क्या किया? उसने अपने आंगन में नाग पाल लिया है, अब नाग तो उसे डसे गई। महादेवी आपने चंदन का वृक्ष देखा है? देखा है कमल नयन। चंदन के वृक्ष के चारों ओर नाग ही नाग होते हैं, पर उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर पड़ता ही नहीं। अपना प्रह्लाद भी चंदन है। ये बात उपहास में टालने वाली नहीं है वासुदेव, पुत्र प्रह्लाद कितना सीधा कितना सरल है। शुक्राचार्य रूपी संकट अपने आप टल रहा था, अच्छा भला वो जा रहा था, किंतु पुत्र प्रहलाद ने अपने सबसे प्रबल विरोधी को अपने साथ रख लिया। ये क्या नीति हुई कमल नयन? महादेवी बच्चा है, अबोध है, सीख जाएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या आप जानती हैं कि सबसे बड़ा नीतिज्ञ कौन होता है? नहीं नारायण। सबसे बड़ा नीतिज्ञ वो होता है जो अपने विरोधियों को साथ लेकर चलता है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि प्रहलाद उतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। अब ये तो देवर्षि नारद से ही पता चलेगा कि नीति की शिक्षा उन्होंने प्रहलाद को कब दी। आपकी बातें तो कभी कभी मेरी समझ से परे हो जाती हैं वासुदेव। महादेवी हमारे प्रहलाद को राजा बनना है और एक अच्छे शासक के विरोधी तो होने ही चाहिए। जब तक उसके विरोधी नहीं होंगे वो सतर्क नहीं होगा, सावधान नहीं होगा और प्रजा में प्रिय भी नहीं होगा। आज समस्त संसार में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ राजनीति का कोई आचार्य नहीं मिलेगा। वो मेरे विरोधी अवश्य है महादेवी, परंतु आज तक उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा और इसीलिए वो मुझे प्रिय भी हैं। महादेवी आप तो बस प्रह्लाद जैसे पुत्रों की चिंता कीजिए और सृष्टि के सारे शुक्राचार्यों की चिंता मुझे करने दीजिए। अच्छे कर्मों पर सदा रखिए अपना ध्यान, मानव के कल्याण का चिंतक है भगवान। पाप कभी जीता नहीं, पुण्य की हो देखा बारा।
बार देखा बारंबार जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान पाएगा सुख और ज्ञान कर्म को ही धर्म जान प्रेम की तुझे चल